गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर ऑनलाइन जेके क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पेज नंबर 25, 26. हाँ जी बेटा, आज हम पेज नंबर 25, 26 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 25. टेस्ट योर विजडम. फर्स्ट है, वन नेम इन ईच सेट डिफर्स फ्रॉम अदर्स, रिंग द ऑड वन आउट. के नीचे कुछ नेम दिए गए हैं, उनमें जो है वन नेम जो है डिफर है अदर्स नेम से, तो हमने उस नेम को फाइंड आउट करना है. ए है लाइन, एलिफेंट, ऑक्टोपस, जेब्रा. तो इसमें जो अलग नेम है वो कौन सा है? ऑक्टोपस का. क्यों? क्योंकि ये क्या है? वाटर एनिमल. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं. और जो बाकी एनिमल हैं ये हैं लैंड एनिमल. बी है पिचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप और मेज़. ये दोनों जो हैं प्लांट के नेम हैं और मेज़ जो है ये ग्रेन है. सी है अलमंड, पेपर, ग्लोव, कैनामोन. ठीक है, ये तीनों स्पाइसेस के नेम हैं और अलमंड जो है ये क्या है? ड्राई फ्रूट. डी है फिश, टर्टल, डॉल्फिन, ग्रास होपर. ठीक है, जो ये तीनों हैं ये वाटर एनिमल हैं और जो ग्रास होपर है ये क्या है? लैंड एनिमल. ई है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम. ये तीनों जो हैं गैसेस के नेम हैं और एल्यूमिनियम जो है ये क्या है? मेटल. ठीक है, सेकंड आइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इन्हें केयरफुली रीड करना है और इनके आंसर ट्रू फॉल्स में देने हैं. ए है सैफ्रॉन इज़ ए स्पाइस विच गिव्स फ्लेवर एंड कलर टू फूड. कि जो सैफ्रॉन है ये स्पाइस का नेम है और ये हमारे खाने को क्या देती है? फ्लेवर और कलर. इट इज़ ट्रू. बी, एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज़ यूज्ड. कि कोकोनट ट्री का एवरी पार्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है, तो ये क्या है? ट्रू. थर्ड है सी पार्ट, हस्क ऑफ इसबगोल कैन बी टेकन एज अ मेडिसन अगेंस्ट स्लीपलेसनेस. तो क्या है ये? फॉल्स. क्यों? क्योंकि जो हस्क ऑफ इसबगोल है इसका यूज जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए एज अ मेडिसन हम यूज़ करते हैं. डी है डॉग फिश कैन बार्क लाइक अ डॉग. तो ये भी क्या है? फॉल्स. क्यों? क्योंकि जो डॉग फिश है वो डॉग की तरह बार्क नहीं करती है. ई है अ ट्यूब वेयर डाइजेशन टेक प्लेस इज़ कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये भी है फॉल्स. क्यों? क्योंकि डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. एफ है स्पीडोमीटर हेल्प्स इन स्पीडिंग अप व्हीकल्स. तो ये भी क्या है? फॉल्स. क्यों? क्योंकि स्पीडोमीटर का यूज़ हम स्पीड को मेज़र करने के लिए करते हैं, ना कि स्पीडिंग अप व्हीकल्स. ओके, थर्ड आइए बेटा, रीड द गिवन नेम्स एंड प्लेस देम अंडर द करेक्ट कैटेगरीज. के नीचे कुछ नेम्स दिए गए हैं, इनको रीड करना है. जो करेक्ट कैटेगरीज है उनके अंडर हमने इनको लिखना है. ठीक है, तो देखिए कैटेगरीज हैं प्लांट्स, एनिमल्स, गैजेट्स, इन्वेंटर्स. ओके, तो प्लांट्स के अंडर हम क्या क्या लिखेंगे? अलाइव, वीट, फर्न्स. ठीक है, ये प्लांट्स के नेम हैं. सेकंड है एनिमल्स. अब एनिमल्स के अंडर हम किसको लिखेंगे? पॉर्क्यूपाइन, टाइगर, जैकल. गैजेट्स हैं आईपॉड, पेसमेकर, हैंडीकैम. और इन्वेंटर्स के अंडर क्या लिखेंगे? रुडल्फ डीजल, राइट ब्रदर्स, मैरी एंडरसन. ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 26 पे. फोर्थ है, टू ऑप्शंस आर गिवन विद ईच स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. कि नीचे जो हैं स्टेटमेंट दी गई हैं कुछ और उनके लिए टू ऑप्शंस दी गई हैं, हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है. तो फर्स्ट है बेटा, यूजिंग लेस पेपर मीन्स कटिंग डैश ट्रीज मोर या लेस. तो क्या लिखेंगे हम? लेस. ठीक है, कि जब हम लेस पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम लेस ट्रीज को कट कर रहे हैं. बी है कारपूलिंग विल सेव डैश एज वेल एज रिड्यूस डैश. ठीक है, फ्यूल, ट्रैफिक, पोल्यूशन, व्हीकल्स. तो कार पूलिंग से हम क्या सेव कर रहे हैं? फ्यूल को. और क्या रिड्यूस हो रहा है? पोल्यूशन. ठीक है,
थर्ड है सी पार्ट, प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेबल विच मीन्स दे कैन नॉट बी डैश डम्प्ड या डिस्ट्रॉयड, तो क्या लिखेंगे डिस्ट्रॉयड। फोर्थ है मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट डिसअपियर्ड बिकॉज दे हैव बीन डैश मेड पेट या किल्ड, ठीक है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो डिसअपियर्ड हो चुके हैं, ठीक है क्योंकि उनको क्या किया गया है किल्ड। नेक्स्ट है स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इनडायरेक्टली इफेक्ट्स डैश हु ईट इंसेक्ट क्रॉप्स या बर्ड्स, तो क्या आएगा आंसर बर्ड्स। नेक्स्ट है पोल्यूशन हैज़ डैश द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, कि पोल्यूशन की वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है इंक्रीज्ड, ठीक है इंक्रीज्ड होता है बढ़ना। मॉस्किटोज ब्रीड इन डैश वाटर रनिंग या स्टेगनेट, ठीक है स्टेगनेट होता है रुका हुआ पानी, तो आंसर क्या आएगा बेटा स्टेगनेट वाटर। फिफ्थ पार्ट है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है एमसीक्यूज़ हैं आपने जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर टिक लगाना है या चूज़ करना है। ए है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलनेस ऑफ आइज, कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो है इलनेस ऑफ आइज के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कंजक्टिविटीज़ टॉन्सिलिटिस टाइफाइड, तो करेक्ट आंसर क्या है कंजक्टिविटीज़, ठीक है। बी है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट अर्थ वीनस मार्स, तो आंसर है करेक्ट आपका वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सी है विच एनिमल यूजेस इट्स हिंड लेग्स एंड फीट इन लीपिंग, ठीक है कैंगरू हॉर्स जेब्रा, तो आंसर है बेटा कैंगरू। डी है हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया है गैलीलियो मार्कोनी या जेम्स वॉट, तो करेक्ट आंसर है जेम्स वॉट। ई है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है कंट्रोल सेंटर एक्ट करता है फीट ब्रेन हार्ट, तो करेक्ट आंसर है ब्रेन। लास्ट है व्हाट इज़ द हॉर्न ऑफ रेनोसोर्स मेड अप ऑफ, ठीक है कि रेनोसोर के जो हॉर्न है वो किससे मिलके बने हैं बोन मसल या मास ऑफ कंप्रेस्ड हेयर, तो करेक्ट आंसर है मास ऑफ कंप्रेस्ड हेयर। ओके नेक्स्ट आइए बेटा होमवर्क, और होमवर्क में आपने पेज नंबर 25, 26 जो आज हमने किए हैं इनको कंप्लीट भी करना है और लर्न भी करना है। इज़ इट क्लियर ओके।